हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकैबुलरी लर्निंग लेसन में हम सीखेंगे वोकैबुलरी वर्ड्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो आज डे 14 है इस सीरीज़ को चलते हुए, मतलब आज की वीडियो मिला के 14 वीडियोज़ हो जाएंगी जो न्यूज़पेपर वोकैबुलरी से रिलेटेड हैं। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है कन्वीन। कन्वीन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बुलाना, आयोजित करना, आमंत्रित करना, एकत्र करना, मिलाना या सभा बुलाना। मतलब एक जगह पर जब बहुत सारे लोग किसी एक पर्पज़ के लिए इकट्ठे होते हैं तो उसे बोलते हैं सभा। तो कन्वीन का मतलब होता है सभा बुलाना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं कन्वोक, समन, कॉल, असेंबल, मीट और गैदर। इन सारे ही वर्ड्स का मतलब होता है इकट्ठा होना या सभा बुलाना या सभा आयोजित करना। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं डिस्पर्स, डिसअसेंबल, डिसजॉइन और एजर्न। डिस्पर्स, डिसअसेंबल और डिसजॉइन का मतलब होता है बिखेरना, अलग करना और एजर्न का मतलब होता है स्थगित करना या टालना। इसका सेंटेंस है वी कन्वीन्ड एट द होटल फॉर द सेमिनार। हम एक सेमिनार के लिए होटल में इकट्ठा हुए। वी कन्वीन्ड एट द होटल फॉर द सेमिनार। हम एक सेमिनार के लिए होटल में इकट्ठा हुए। अगला वर्ड है डायग्नोज। डायग्नोज का मतलब होता है बीमारी को पहचानना, निदान करना यानी कि उपचार करना रोग का, किसी बीमारी का या रोग का निर्णय करना या किसी परेशानी या किसी रोग को या बीमारी को पहचानना। डायग्नोज एक वर्ब है। इसके सिनोनिम्स होते हैं रिकॉग्नाइज, डिटरमाइन, इन्वेस्टिगेट और एनालाइज। और इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं मिसडायग्नोज और ओवरलुक, मतलब पहचान ना पाना या गलत निदान करना, मतलब कि गलत उपचार करना। जब पहचान नहीं पाएंगे किसी बीमारी को तो उसका गलत उपचार हो जाएगा, मतलब उसके लिए गलत दवाइयाँ दे देना। इसका सेंटेंस है द डॉक्टर डायग्नोज्ड द पेशेंट एज अ डायबिटिक। डॉक्टर ने मरीज का एक मधुमेह के रोगी के रूप में उपचार किया। द डॉक्टर डायग्नोज्ड द पेशेंट एज अ डायबिटिक। डायबिटिक मतलब मधुमेह का रोगी या शुगर का पेशेंट। तो डायग्नोज का मतलब होता है पहचानना बीमारी को या उसका उपचार करना। अगला वर्ड है प्रिवेंट। प्रिवेंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रोक लगाना, रोकथाम करना, प्रतिबंधित करना, रोकना या मना करना या फिर रुकावट डालना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं प्रिक्लूड, फॉरबिड, एबर्ट और स्टॉप। इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं इम्पोज, अलाउ, परमिट और लेट। इम्पोज मतलब लागू करना और बाकी के सारे वर्ड का मतलब होता है अनुमति देना। इसके यूसेज है इसका सोशल डिस्टेंस एंड फ्रिक्वेंट हाइजीन कैन प्रिवेंट कोरोना वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग। सामाजिक दूरी और लगातार स्वच्छता कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कंसेंसस। कंसेंसस एक नाउन है जिसका मतलब होता है आम सहमति, सर्वसम्मति, आम राय या एकमत, मतलब सभी लोगों का एक ही ओपिनियन होना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं यूनानिमिटी, सॉलिडेरिटी और हार्मनी। सारे वर्ड का मतलब होता है कि एकमत होना यानी कि सबका एक ही ओपिनियन होना। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं डिसएग्रीमेंट और ऑपोजिशन, मतलब मतभेद या विरोध। डिसएग्रीमेंट मतलब मतभेद, मतलब अलग अलग ओपिनियन होना और ऑपोजिशन का मतलब होता है विरोध। सेंटेंस है इसका द जनरल कंसेंसस इन द ऑफिस इज दैट ही इज यूजलेस एट हिज जॉब। ऑफिस में आम सहमति यह है कि वह अपने काम में
बेकार है, मतलब सबका एक ही ओपिनियन है, सबकी एक ही राय है कि वह अपने काम में बेकार है। द जनरल कंसेंसस इन द ऑफिस इज दैट ही इज यूजलेस एट हिज जॉब। नेक्स्ट वर्ड है पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, आला दर्जे का, ऊंचे दर्जे का, या सबसे ज़्यादा अच्छा, या सबसे ज़्यादा महत्व वाला, जिसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। पैरामाउंट एक एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं चीफ, मेन, सुप्रीम और फोरमोस्ट। इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं इन्फीरियर और इनसिग्निफिकेंट, मतलब कम महत्व वाला, जिसकी इम्पोर्टेंस कम होती है। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। इसका सेंटेंस है द रोल ऑफ अ वुमन एज अ मदर इज़ द पैरामाउंट इन आवर सोसाइटी। माँ के रूप एक महिला की भूमिका हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ है, मतलब कि सर्वोपरि, ये सबसे ज़्यादा महत्व वाली है। द रोल ऑफ अ वुमन एज अ मदर इज़ द पैरामाउंट इन आवर सोसाइटी।